वैसा गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। जब फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीट किया मैक्रो इकोनॉमिक का, तो उस टाइम पर फिर बाद में मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, तो कमेंट पढ़ने के बाद में बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि सर इकोनॉमी काफी टफ लगती थी, अब थोड़ी आसान लग रही है। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहा हूं, देखिए टफ और आसान कुछ नहीं होता है, ये जस्ट आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दो चीजें आप लोगों को यहां पर कोई भी चीज टफ और आसान बनाती है, पहला तो आप लोगों का इंटरेस्ट और दूसरा कितना टाइम आप लोग उसको दे रहे हैं। तो जितना आप लोग इंटरेस्ट और जो टाइम है आप लोग वो बढ़ा देंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा। आप लोग जब उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग उसको और ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देंगे। तो जो चीजें आप लोगों को टफ लगती है, एक तो उसको थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करें और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट करें। ये नहीं कि सर पे कोई बर्डन है एग्जाम के लिए पढ़ना, नहीं, हम लोगों को समझना है कि इकोनॉमी होती क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई थी, तो मैंने हमेशा से ये बात ध्यान में रखी थी कि पॉलिटी को आप लोग ऐसे कवर करके चलो कि भले ही कोई एग्जाम दे या ना दे, कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री का संविधान क्या कहता है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारी कंट्री का, कैसे गवर्नमेंट चलती है हमारी कंट्री में। तो वो आप लोग तभी समझ पाएंगे जब थोड़ा सब्जेक्ट से ऊपर उठकर सोचेंगे। ये नहीं कि बस एग्जाम के लिए पढ़ना है उसके बाद में कहानी खत्म, नहीं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आप लोगों को लाइफ में काम आने वाले हैं और आप लोगों को अपने आसपास ये सारी चीजें दिखाई भी देंगी। तो क्या करना है आगे से, बस ये करना है कि उस जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है उस सब्जेक्ट को टाइम देना स्टार्ट करना है और इसमें इंटरेस्ट से टाइम देना स्टार्ट करना है। दो चीजें कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट आप लोगों का आसान हो जाएगा। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आइए अब उद्घाटन करते हैं यहां पर सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये जो है चैप्टर, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। यानी कि आज जो है आप लोगों के सामने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करूंगा यहां पर, यानी कि जो भी बेसिक्स इससे रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमी से, वो सारी बातें हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो चीजें हैं वो आगे उसी तरीके से प्रोसीजर में आगे चलती जाएगी, बस आप लोगों को ध्यान लगाकर सुनना है। बाकी इतने शानदार तरीके से चीजें कवर करी जाएगी कि आप लोग आराम आराम से पिक्चर बनाते चलेंगे माइंड में, जो भी शब्द यहां पर बोलूंगा उसको सोचते हुए आप लोगों को चलना है, रियलिटी में आप लोगों को लेक्चर के अंदर घुसना है, फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ने में। पढ़ने का तरीका चेंज करो, अपने आप पढ़ने में मजा आने लगेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो लेक्चर हमारा रहने वाला है बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहने वाला है, यानी कि एक तरीके से घर की जो नींव रखी जाती है उस तरीके से यहां पर नींव रखने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले चैप्टर के साथ में, जो मैंने आप लोगों से लास्ट चैप्टर में बात की थी, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काफी एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एडम स्मिथ का मोस्ट इन्फ्लुएंस जो वर्क है यहाँ पर, ये एक किताब है, आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, इसको बोला जा रहा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कोज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। यानी कि ये इसके बारे में इंक्वायरी की है कि क्या नेचर है और क्या रीजन है, क्या कोज है, क्या कारण है कि किसी कंट्री के पास में जो मनी होती है वो धन होता है वो कैसे आता है, यानी कि किसी कंट्री की जो वेल्थ है वो कहां से निकल के आती है। ये यहां पर एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया कि किस तरीके से वेल्थ उनके पास में निकलकर आती है। आप लोगों को कई सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है, तो ऐसा कौन सा रीजन है जो उस कंट्री की वेल्थ वहां से उसके पास में आती है। बहुत सारी कंट्री पुअर हो जाती हैं और बहुत सारी कंट्री रिच हो जाती हैं। जैसे अफ्रीका की अगर बात कर लीजिए, अफ्रीका में रिसोर्स बहुत ज्यादा हैं और लेटिन अमेरिका में भी रिसोर्स बहुत ज्यादा हैं। आप लोग यहां पर मैप में देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आएंगे तो यहां पर बहुत सारा रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारे कच्चे रॉ मेटेरियल आप लोगों को, आयरन ओर वगैरह, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल वगैरह, या फिर सारे जो भी मेटेरियल आप लोग यूज कर सकते हैं वो यहां पे इसमें, और यहां पर आप लोगों को सारा वो देखने को मिलेगा। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर भी आप लोगों को ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी, पर लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीब कंट्री भी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बेसिकली आप लोगों को कई सारी पुअरेस्ट कंट्री भी और कई सारी गरीब या फिर अमीर कंट्री भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जब अमेरिका बोलता हूं तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों आप लोगों के माइंड में आने चाहिए। एक बार फिर से आप लोग इसको मैप में देख सकते हैं, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को, ये देखिए ये हो गया साउथ अमेरिका और ऊपर आएंगे तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में कई सारी गरीब कंट्री देखने को मिल जाएगी और नॉर्थ अमेरिका में तो यूएसए कनाडा जैसी अमीर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम आप लोग गरीब कंट्री देखने को मिलेगी। तो यहां पर यही बेसिक
बेसिक फोकस आप लोगों को देना है कि किस तरीके से यहां पर कोई कंट्री गरीब होती है और कोई कंट्री अमीर होती है। जबकि गरीब कंट्री है उसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा, वो फिर भी गरीब है। अमीर कंट्री के पास में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है और वो फिर भी अमीर कंट्री है। तो ये क्या रीजन है, इसको सोचिए रीजन को, कौन सा ऐसा रीजन है जो ये काम करने का काम करता है। और वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना रीजन भी लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला था आपकी माइंड में पिक्चर बनाकर साथ साथ में चलना है, तभी आप लोग अच्छे से इसके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे सब्जेक्ट के साथ में। यहां पर मिलेगा आप लोगों को आंसर इस क्वेश्चन का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर मान लीजिए आप लोग एक किसान है, आप लोगों के पास में एक जमीन है, वो जमीन जो है वो एक रिसोर्स हो गया आप लोगों के पास में। अगर ये रिसोर्स काफी दिनों से यहां पर खाली पड़ा हुआ है, आप लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसमें टमाटर लगाने स्टार्ट कर दिए या फिर गन्ने की खेती करनी स्टार्ट कर दी, तो ये क्या हो गया, आप लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे ही यहां से आप लोगों की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन वैसे क्या है, ये एक जमीन पड़ी हुई है खाली, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो रिसोर्सेज का होना जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज हैं या नहीं है, वो एक अलग बात हो गई। उसको यूज कैसे आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, मान लीजिए आप लोगों के पास में लैपटॉप है, लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं, आप लोग मूवीज देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। पर लेकिन अगर उस लैपटॉप का आप लोग इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, उस लैपटॉप से आप लोग बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग जिस तरीके से मैंने आप लोग यहां पर लेक्चर बना रहा हूं, आप भी क्या कर सकते हैं, लेक्चर बना सकते हैं। तो एक तरीके से उसका यूज करने स्टार्ट कर दिया, अपनी पढ़ाई जो है वो सारी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। आप लोग इस पे बहुत सारी चीजें, मतलब आज के में लैपटॉप का ऐसा यूज कर सकते हैं कि एक तो आप लोग इसको मूवी देखने के लिए यूज करें, बस आप लोगों के पास से पढ़ रहे, वैसे आप लोग इसको यूज करके इसकी इंपोर्टेंस और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे आज के टाइम में मेरी लाइफ में सबसे इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, या फिर एक मशीन बोलो, तो वो लैपटॉप है। लैपटॉप के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं सारा काम टोटली ऑनलाइन करता हूं। तो इस तरीके से ये एक मेरे पास में जो रिसोर्सेज था, मैंने उसको शानदार तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक इसी तरीके से मान लीजिए किसी और के पास में लैपटॉप है, वो क्या कर रहा है, उस पर मूवीज देखे जा रहे हैं, तो एक तरीके से उसके लिए लैपटॉप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर गुम भी हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन मेरे लिए अगर मेरा लैपटॉप गुम हो गया तो मेरी लाइफ जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप लोग यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, वो डिसाइड करती है कि आप लोगों के पास में कितनी मनी आनी है, आप लोगों के पास में कितने रिसोर्सेज आने हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहां पर खेत की बात की है, अगर आप लोग इसमें प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहां से आप लोगों की इनकम जनरेट स्टार्ट हो जाएगी, इसी के साथ में जो वेल्थ जनरेट स्टार्ट हो जाएगी होनी। तो कहने का मतलब यह है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने टमाटर की खेती करना स्टार्ट कर दी। जैसे आप लोगों ने यहां पर टमाटर उगाए, तो टमाटर आप लोगों ने क्या किया, उगाने के बाद में फिर उन टमाटो का टमाटो सॉस बनाया और टमाटो सॉस बना के मार्केट में ले जाके बेचना स्टार्ट कर दिया। एक तो आप लोग टमाटर ही डायरेक्ट मार्केट में जाकर बेच सकते हैं, दूसरा टमाटो सॉस बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। आप लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं आप लोग कितना पैसा कमाना है। टमाटर ले जाकर बेचेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जस्ट कुछ आप लोगों को जैसे 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 10 या 12 रुपए किलो आप लोगों को वहां पर पैसे मिल जाएंगे। 20, 30 या 100 रुपए किलो भी मिल सकते हैं मैक्सिमम। पर लेकिन अगर आप लोग उसको टमाटो सॉस बनाकर बेचेंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा पैसा उससे कमा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से आप लोग पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने गन्ने की खेती लगाई, एक तो डायरेक्ट मार्केट में आप लोग गन्ना बेच दीजिए जाकर, दूसरा क्या कर सकते हैं, खुद से गुड़ और शक्कर बनाइए, यानी कि सुगर इस तरीके से जैगरी होती है या फिर ब्राउन सुगर वगैरह, तो ये बनाइए उसको ले जाकर मार्केट में बेचिए। गन्ने से ज्यादा प्राइस आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे भी बातें करूंगा, उसके लिए थोड़े रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को एक सेटअप बनाना पड़ेगा, वो दूसरी बात है। पर लेकिन यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। उसी प्रोडक्ट को आप लोग सस्ता भी यूज कर रहे हैं और उसी प्रोडक्ट को आप लोग महंगा भी यूज कर रहे हैं, यानी कि डिपेंड आप लोगों के ऊपर करेगा कि आप लोगों से कितना इनकम जनरेट वहां से उस पर्टिकुलर एरिया से कर पा रहे हैं। और इस तरीके से जो इनकम जनरेट होने का ये प्रोसेस होता है, यही आगे चल के किसी भी कंट्री की वेल्थ बनना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप लोग ढंग से देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करी, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री को निकालने देते हैं वहां से, और वो कंट्री रॉ मटेरियल जैसे कि मान लीजिए क्या करा, आयरन ओर, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल निकाल के ले गए, फिर दूसरी कंट्री क्या करेगी, उसको रिफाइन कर मार्केट में ले जाके बेच देगी। तो इनके पास में एक टेक्नोलॉजी नहीं है इस तरीके से कि वो यहां से ढंग से, या फिर इनके पास में तकनीकें नहीं है कि ढंग से उसको वहां से निकाल सकें और फिर उसका यूज कर सकें। तो इस तरीके से ये आप लोगों से डायरेक्ट इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपीएससी आईएएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन ही पूछा गया है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं फिर भी गरीब है, पर लेकिन अगर आप लोग दूसरी कंट्री की बात करें जहां पर रिसोर्सेज की कमी है वो फिर भी अमीर है, इसका क्या रीजन है। तो ये है बेसिकली इसका रीजन कि रिसोर्सेज को यूज करना वो नहीं समझ पा रहे हैं।
किस तरीके से उनको यूज करना है, किस तरीके से उनको निकालना है और किस तरीके से उनको एक प्रोडक्शन यूनिट में लेकर आना है, यानी कि रॉ मटेरियल बेचना है या फिर एक फिनिश प्रोडक्ट बनाकर बेचना है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों से एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूरा लिख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, एक बात समझ में आ गई प्रोडक्शन की कि आप लोगों ने क्या किया, जो गन्ना है उससे आप लोगों ने गुड़ बना दिया और टमाटर से आप लोगों ने टमाटो सॉस बना दिए, तो ये हो गया प्रोडक्शन का सिस्टम। पर लेकिन अब यहां पर ये देखना है कि ये प्रोडक्शन का फ्लो स्टार्ट कैसे होता है और ये प्रोडक्शन बढ़ता कैसे है, यानी कि कहां से चीजें आगे बढ़ती हैं और कहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो बेसिक है, यहाँ पर मॉडर्न जो इकोनॉमी है आज के डेट में, जो फ्लो जो फ्लो चल रहा है आज के डेट में, आप लोग जो चाहे वो खरीद सकते हैं और जहां पर जो चाहे आप लोग ले जाकर उसकी मार्केट में वो बेच सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो होता है गुड्स यानी कि सामान और दूसरा होता है सर्विस। गुड क्या होता है, गुड्स होता है जैसे कि मैंने टोमेटो सॉस आप लोगों को बताया, या फिर आप लोग गन्ना ले जाकर बेच रहे हैं, या फिर आप लोग ये सारी चीजें गुड़ ले जाकर बेच रहे हैं, गुड़ और शक्कर, यानी कि गुड्स की बात की तो गुड़ और शक्कर भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। सर्विस क्या हो गई, एक डॉक्टर के पास आप लोग जाएंगे, आप लोग उसको बोलेंगे भैया मैं बीमार हूं, डॉक्टर क्या करेगा आप लोगों को चेकअप करेगा और उसके बाद में आप लोगों को क्या करेगा, आप लोगों को मेडिसिन दे देगा, तो वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या कर रहा है, उसके सर्विस के पैसे ले रहा है। एक वकील के पास में जाएंगे, या फिर आज के डेट में एक टीचर की भी बात आप लोग कर सकते हैं जहां से आप लोग ट्यूशन वगैरह जो भी करते हैं, तो इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके पैसे उसके बदले में आप लोगों से उनकी इनकम जनरेट हो रही है। तो ये आप लोगों को कुछ तो बड़े लेवल पर करते हुए नजर आएंगे और कुछ छोटे लेवल पर नजर करते हुए आएंगे। ये जो है बेसिकली यही छोटी छोटी चीजें मिलकर किसी कंट्री में बहुत बड़ा एक यूनिट तैयार कर देती है। अब ये तो है नहीं कि एक ही टीचर होगा, एक ही लॉयर होगा, एक ही स्कूल होगा, या फिर कोई भी एक ही डॉक्टर होगा, तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लॉयर हैं, तो सब अपना काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से लार्ज स्केल पर अगर पूरी कंट्री में आप लोग काउंट करेंगे तो एक ह्यूज सिस्टम यहां पर जनरेट हो जाता है, जो कि गुड्स और सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। और हो सकता है आप भी इनमें से एक पार्ट हो, जो कि खुद भी आप लोग मान लीजिए किसी को आप लोग पढ़ा रहे हो, आप लोग क्या पता कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो आप भी इसी सिस्टम का पार्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। और अगर पार्ट नहीं हो तो फ्यूचर में आप लोग बनने वाले हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इसका पार्ट जरूर बनेंगे। कोई भी चीज अगर कोई बनानी है, मान लीजिए एक पिन बनाना है या फिर एक बटन बनाना है, एक पिन से लेके बटन से लेके एक एरोप्लेन तक अगर आप लोग बना रहे हैं, कोई बड़ी से बड़ी मशीनरी बना रहे हैं, यानी कि एरोप्लेन को बनाने के लिए भी मशीनों की जरूरत पड़ेगी या फिर एक पिन बनाने के लिए भी मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी प्रोडक्ट यहां पर आप लोग बना रहे हैं, वो सारा प्रोडक्ट आगे चल के क्या होगा, मार्केट में बेचा जाएगा। तो ये हो गए आप लोगों के गुड्स। और अगर सर्विसेज की बात करते हैं तो डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन गए, तो ये गुड्स और सर्विस जो है यही जाकर एक कंज्यूमर खरीदता है। यानी कि आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, आप लोग किसी मशीन को खरीद के लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए आप लोगों ने कोई घर पे यूज करने के लिए कोई भी आप लोगों ने जैसे गैस का सिस्टम खरीद लिया आप लोगों ने, ठीक है, या फिर कोई दूसरा आप लोग आइटम खरीद के लेकर आए, पंखा खरीद ले, फ्रिज कूलर खरीद के लेकर आ गए, तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास में ये सर्विस प्रोवाइड बाहर से किया जा रही है और आप लोग इनको यूज कर रहे हैं। ये यहीं से ही देखिए दो तरीके होते हैं, यहां से आगे आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को अपनी कंट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम यहां से समझ में आने वाला है। इसीलिए इसका चैप्टर का नाम था बेसिक्स। तो ये जो बेसिक्स हैं, ये ऐसे बेसिक्स हैं कि कंप्लीट आप लोग कभी भी इकोनॉमी पढ़ेंगे, अगर ये आप लोग तैयार है कि बेसिकली चल क्या रहा है, तो वो आप लोग अंडरस्टैंड यहां पर कर पाएंगे। तो इसी के बारे में बात करते हैं, डिटेल में थोड़ा और जानते हैं क्या क्या बातें मैं यहां पर कर रहा हूं। आप लोगों ने सबने रजाई यूज की होगी या कपड़े यूज करते हैं सब लोग, कॉटन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हिंदी में आप लोग कपास बोलते हैं। बेसिकली खेतों में जब कोई काम करता है तो खेतों में क्या किया जाता है, खेतों में ये इस तरीके से कॉटन वगैरह ये सारी चीजें एक पेड़ लगाया जाए छोटे, जो ये बेसिकली खेती की जाती है और उसमें से जैसे कॉटन निकल के आता है, ठीक है, वो कॉटन का कुछ ऐसा पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आगे इसमें प्रोसेसर किया जाता है, इसमें से आगे यार्न स्पिनिंग करके मिल में क्या किया जाता है, फिर इसमें अलग अलग प्रोसेसर करके ये अलग अलग चीजें करके इसमें से एक तरीके का पैटर्न तैयार करके एक धागा टाइप का निकाला जाता है, ठीक है। आप लोगों ने गांधी जी का तो नाम सुना ही होगा, बेसिकली अगर गांधी जी के चरखे की हम लोग बात करें तो वो क्या करते थे, वो चर उससे कॉटन से एक तरीके से कतकर उसको उससे वहां से एक धागा निकालते थे, उसी धागे की बात कर रहे हैं। ये धागा फिर फैक्ट्री में क्या करता है, आगे चल के फिर इससे कपड़ा बनाया जाता है और आगे चल के इसके ऊपर आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में इसको ले जाकर बेचते हैं ब्रांड का नाम लगाकर। तो ये पूरा प्रोसीजर यहां पर कोई और भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने कॉटन लिया, आप लोग कोई और प्रोडक्ट यहां पर ले सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग टमाटर की बात कर रहे थे, टमाटर यहां पर खेतों में से निकाल के लाया गया,
फिर उन टमाटर को साफ किया जाएगा, फिर उनको इस तरीके से मतलब एक तरीके से उनको मैश किया जाएगा, फिर उसमें से उसको एक तरीके से जैसे चक्की में नहीं घुमाते हैं ऐसे घुमाकर उसका एक सॉस टाइप का बनाया जाएगा, फिर उसको पैकेट में फिट किया जाएगा और फिर उसको मार्केट में ले जाकर बेचा जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर देखने को आप लोगों को मिलता है। तो इस प्रोसीजर में दो टर्म आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर दो टर्म क्या तीन टर्म आप लोग बोलिए। एक तो होगा इनिशियल प्रोडक्ट। इनिशियल प्रोडक्ट क्या है, जिसको आप लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। एक आप लोगों का रॉ मटेरियल हो गया, दूसरा आप लोगों का फिर यहां से एक इंटरमीडिएट गुड निकल के आ गया, फिर तीसरे टाइम पर जब आप लोग जाएंगे एक फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आ गया जो कि मार्केट में बेचना है। ये सिस्टम आप लोगों को बेसिकली हर जगह देखने को मिलेगा। इन तीनों सिस्टम को अलग अलग जगह आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में कवर किया था। जो रॉ मटेरियल निकल के आता है टमाटर, कहां से निकल गया टमाटर, ये आप लोगों को खेतों में से देखने को मिला। सेकेंडरी यहां पर इंडस्ट्री में गया, उसका टोमेटो सॉस में उसको कन्वर्ट किया गया और फिर उसको मार्केट में ले जाकर बेच दिया गया। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। जो यहां पर इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड भी यहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां से मान लीजिए गन्ना आप लोगों ने लिया, तो गन्ना क्या किया खेतों में से ले जाकर आप लोगों ने गन्ने में से रस लिया, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। गन्ने का रस आप लोग पी सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं आप लोग उसको गुड़ी बनाना है, उसको पकाकर बहुत उसको अच्छी सी उसमें आग में पकाकर जब उसको गुड़ बनाया जाता है, शक्कर बनाया जाता है, आगे फिर चीनी बनाई जाती है, तो आप लोग उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर यही लास्ट प्रोडक्ट होगा, बीच वाले प्रोडक्ट को भी आप लोग लास्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये उसके यूज के ऊपर डिपेंड होगा कि उसको यूज कैसे किया जा रहा है। बहुत ही बड़ी बात बोल रहा हूं, जैसे जैसे आगे चलेंगे आप लोग इसको समझ पाएंगे, क्योंकि यही पूरा सिस्टम है जो कि आप लोगों को समझ के चलना है अगर आगे के चैप्टर आप लोगों को ढंग से समझने हैं। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो एक प्रोसीजर से होते हुए गुजरता है, पर लेकिन किसी भी टाइम पर आप लोग उसको फाइनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पर भी मान लीजिए कॉटन है यहां पर, इस कॉटन को क्या करें आप लोग, मान लीजिए इस कॉटन को किसी को चोट लग गई थोड़ी बहुत, हालांकि चोट नहीं लगे वो ज्यादा अच्छा है, चोट लगे तो उसी कॉटन को आप लोग क्या कर सकते हैं, वो ब्लड वगैरह साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर भी आप लोग उन्हें खत्म कर दे उस कॉटन का काम, ठीक है। तो कहीं पर भी जिस जगह पर आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, बेसिकली जहां पर आप लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो उसका फाइनल टच हो गया। आगे भी उसको आप लोग यूज कर सकते हैं, कंजप्शन का टाइम एक तरीके से उसको फाइनल प्रोडक्ट बना देता है जहां पर भी उसको कंज्यूम कर लिया जाता है। ये डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, इनिशियल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। या फिर थोड़ा सा आप लोग और सिस्टमेटिक डेफिनेशन के हिसाब से बोले तो फाइनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जहां पर इसको आगे फिर और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं यूज किया जाता है, यानी कि वहीं पर इसको कंज्यूम कर लिया जाता है। ये एक तरीके से आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट हो गया, आगे कोई प्रोसीजर उसमें नहीं होगा, वहीं पर वो फिनिश हो गया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को कई जगह टर्म देखने को मिलेगा, इनिशियल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट गुड्स। ये एक इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म है जो आप लोगों से डेफिनेशन की फॉर्म में भी कई बार पूछ ली जाती है। आगे चलता हूं, अब थोड़ा सा इसको मैं मार्केट के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे आप लोग जहां पर दो तरीके से आप लोग चीजें आप देखेगा यहां पर, एक तो हो गया मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, घर पर चाय की ली, चाय की पत्ती ली और आप लोगों ने चाय बना ली, ठीक है। आप लोगों ने क्या की, वो डायरेक्ट चाय नहीं बनती है, पर लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आता है, लीव्स बेसिकली निकल कर आती हैं और फिर उसको ड्रिंकेबल टी में कन्वर्ट किया जाता है। ये कहां पर करते हैं आप लोग, ये प्रोसीजर अपने घर में किचन में यानी कि रसोई में करते हैं और एक पूरा प्रोसीजर यहां पर कुकिंग का निकल के आता है, जिसके बेस पर आप लोग चाय से आप लोग उसको लीव जो खेतों में से निकल के आती है वो पीने लायक चाय बना लेते हैं उसको, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से आप लोग क्या करते हैं, घर में कोई भी खाना आप लोग बनाते हैं तो ये अलग अलग इंग्रेडिएंट आप लोगों के पास में होते हैं, गाजर मूली सगी सहेली सारी चीजें आप लोग मिक्स करके क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों ने क्या किया, दो तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट आप लोगों ने घर पे खाना बनाया और घर पे जो लोग हैं उनको खाना खिला दिया और बेसिकली काम खत्म हो गया, इससे क्या करेंगे आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश। दूसरा क्या कर सकते हैं आप लोग, ये जो आप लोगों ने खाना बनाया ये आप लोग मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, टिफिन की फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं या फिर अपना कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो दो ही देखिए, प्रोडक्ट एक ही है पर लेकिन यूज करने के तरीके के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग कैसे इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोग इसको अपने आप के लिए यूज करें या फिर इसको मार्केट में बेच रहे हैं, अगर मार्केट में बेचना स्टार्ट करते हैं तो यहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, यहीं से ही सारे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जितने भी रेस्टोरेंट है बेसिकली पहले घर पर खाना बनाया जाता था, पहले कौन आप लोग अगर पुराने टाइम में चले जाएं कौन खाना बेचता था, बेसिकली खाना इस तरीके से था कि
यहाँ अपने खाने के लिए जुगाड़ करना है कहीं से, कहीं ना कहीं से। पहले तो यहां तक था कि लोगों को खुद को खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। इधर उधर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, जिस तरीके से आप लोग देखते थे कि लोग जंगल में रहते थे तो उनको फल मिल गए, फ्रूट्स मिल गए, या फिर कोई जानवर मारा तो उसका कच्चा मांस उन्होंने खा लिया जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर उसको उन्होंने रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि भूनना स्टार्ट कर दिया जब आग का आविष्कार हो गया। आगे चल के मसाले, मिर्च, ये सब चीजें डालना स्टार्ट कर दिया। तो खाना जो आप लोग की डेट में खाते हैं ये भी एक पूरे प्रोसीजर से होकर गुजरता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप लोग इसको घर पर खा रहे हैं या फिर आप लोग इसके थ्रू एक बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसको बना रहे हैं। अगर खुद से खा लिया तो काम खत्म हो गया, अगर मार्केट में ले जाकर आप लोगों ने इसको बेचना स्टार्ट कर दिया तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया, आप लोगों की इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गई वहां से। तो एक बड़ी ही शानदार लाइन ये आप लोगों से स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या है यहाँ पर कि ये जो कोई सामान है वो डिपेंड नहीं करता है कि वो क्या करने वाला है, यानी कि ये बोला जा रहा है इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ गुड बट नेचर ऑफ इकोनॉमी, कि आप लोग उस गुड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, यानी कि आप लोग उसको एक तरीके से पैसा कमाने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आप लोग उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने घर पर यूज कर रहे हैं और आप लोग कहां पर उसको फाइनल टच दे रहे हैं। अगर यहां पर मैंने बात किया गाजर जैसे आप लोगों के सामने रखी हुई है, गाजर आप लोग डायरेक्ट खा सकते हैं, नहीं जरूरी है गाजर की सब्जी बनाए या गाजर का हलवा बनाए, ठीक है, मुंह में पानी आ गया होगा गाजर का हलवा सुन के। इसी तरीके से टमाटर आप लोग आलू टमाटर की सब्जी बना सकते हैं और डायरेक्ट सलाद में भी आप लोग टमाटर ले सकते हैं। तो ये आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये वो किस तरीके से वो फाइनल प्रोडक्ट होना है, कहां पर वो फाइनल प्रोडक्ट होना है। तो ये बिल्कुल यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं से ही निकलकर आगे स्टार्ट होनी, चलनी स्टार्ट हो जाती है। अब आगे यहां पर जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। बेसिकली कैपिटल गुड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा और जैसे हम लोग न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं, द हिंदू जब हम लोग पढ़ते हैं, कैपिटल गुड जब भी कोई इकोनॉमी का सेक्शन आता है, एडिटोरियल आता है, उसमें कैपिटल गुड का नाम जरूर आता है। तो कैपिटल गुड क्या होते हैं और कंजप्शन के गुड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। डिटेल में समझना, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग यहां पर समझना ताकि आप लोग उसको कोरिलेट भी कर पाए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया खाना बनाया गया, खाना बनाने के बाद में आप लोगों ने क्या किया, उस खाने को कंज्यूम कर लिया, उससे आप लोगों की कोई अर्निंग नहीं आ रही है तो वहीं पर ही आप लोगों की कहानी खत्म होगी, सो गए और सुबह को फिर से आप लोगों का लाइफ स्टाइल स्टार्ट हो गया, कोई इनकम आप लोगों की जनरेट नहीं हुई, आप लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया। दूसरा क्या कर रहे हैं, उसी खाने को आप लोग मार्केट में ले जाकर बेच रहे हैं तो आप लोग उससे पैसा जनरेट कर रहे हैं। दूसरा आप लोग यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैपिटल गुड क्या हो गया, यहां पर मान लीजिए आप लोग एक जूसर मिक्सर लेकर आए, ठीक है, तो जूसर मिक्सर से आप लोगों ने जूस बनाया और घर वालों को पिला दिया, ये आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया उसको। अब अगर आप लोग जूसर मिक्सर से एक छोटा सा आप लोग कोई दुकान चलाने लगे और लोगों को जूस पिलाने लगे तो वो ही मशीन जो है, जूसर मिक्सर जो है, आप लोगों के लिए कैपिटल गुड बन गया, यानी कि कैपिटल यानी कि मनी यानी कि धन जनरेट करने वाली जो मशीन है उसको आप लोग कैपिटल गुड बोल सकते हैं। दूसरी तौर पर आप लोगों के सामने उदाहरण है, ये आप लोगों के सामने एक रिक्शा है, एक तो आप लोग क्या करें यहां पर इस जो रिक्शा है इसको यूज करें अपना घर पर ही, कि आप लोगों ने इसको घर पर लाने के लिए इसको अपना बच्चों को घर पर ही, जो बच्चे हैं अपने मोहल्ले पड़ोस को फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको लेकर स्कूल में लेकर जा रहे हैं, एक क्या करें उसको मार्केट में आप लोग यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का इनकम जनरेट मीडियम हो गया, तो ये आप लोगों के लिए कैपिटल गुड यहां पर बन गया। तो जरा सी आप लोगों के यूज के ऊपर आप लोग उसको कैपिटल गुड बना देते हैं और अगर उसको दूसरे तरीके से यूज करें तो आप लोग उसको कंजप्शन गुड की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी मशीन जो है, कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी आइटम जो है, अगर आप लोग उससे कुछ इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं तो वो कंजप्शन गुड हो गया और अगर आप लोग उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो कैपिटल गुड हो गया। लैपटॉप की बात कर लीजिए, कंप्यूटर की बात कर लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए लैपटॉप आप लोग, कंप्यूटर आप लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए कंजप्शन गुड हो गया। लेकिन अगर आप लोगों ने एक कैफे खोल लिया, वहां पर आप लोग उसको पर घंटे के हिसाब से लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप लोग आइए इंटरनेट यूज कीजिए, तो उन्हीं लैपटॉप को, उन्हीं जो कंप्यूटर है उसको आप लोगों ने कैपिटल गुड बना दिया। तो कोई भी मशीन जिससे आप लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं वो आप लोगों का कैपिटल गुड बन जाता है। नेक्स्ट दो और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी बेसिक टर्म है जो कि कई बार इकोनॉमी में यूज होती है। एक बोला जा रहा है स्टॉक्स, यानी कि जो भी आप लोगों के पास में कोई स्टॉक में सामान रखा रहता है। दूसरा है यहां पर फ्लो, यानी कि प्रवाह जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि बहाव एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। एक बात और बता दूं, हिंदी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, देखिए कई बार आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ पर कि एक टर्म में आप लोग कन्फ्यूजन लग सकता है, खासकर इंग्लिश में सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं इसीलिए कोशिश ये कर रहा हूँ कि उदाहरण देकर आप लोगों को समझाऊं। मान लीजिए टर्म आप लोगों को समझ नहीं आई पर लेकिन उदाहरण जब दे रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आ जा रही है। पर फिर भी आप लोग कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, आगे आने वाले लेक्चर में या फिर कोई अलग से स्पेशल लेक्चर बनाकर मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा। ये बेसिक है, ये आप लोगों ने एक बार समझ लिया तो फिर आप लोग काफी अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्टॉक की क्या बात करते हैं, पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर दी जाए तो पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोगों के पास में जो भी सामान रखा हुआ है वो स्टॉक हो गया, ठीक है। यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या काम स्टार्ट किया है, हम लोगों ने एक ऐसा काम स्टार्ट किया है कि
हम आम खरीद कर लेकर आ रहे हैं और उसका जूस बना रहे हैं और फिर मार्केट में बेच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने आम बेच रहे हैं पूरे दिन में, तो 12 बजे के करीब किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं आप लोगों को बोलूं कि स्टॉक में कितना आम और रखा हुआ है, कितना जूस हम लोग बना सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना स्टॉक है, तो वो आप लोगों के सामने बेसिकली हो गया कि हाँ अभी बचे हुए हैं 5-6 किलो, अभी हम लोग और भी जूस बना सकते हैं। तो वो एक तरीके से स्टॉक हो गया कितना आप लोगों के पास से पर्टिकुलर टाइम पर है। ठीक है, अगर बात करें फ्लो की, तो फ्लो एक तरीके से ये एक टाइम के उसमें कन्वर्ट टाइम के उसमें ये आप लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहां पर ट्यूबवेल देखिए, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से फ्लो चल रहा है, मैं बोलूं कि यहां पर 2 घंटे से अच्छा फ्लो यहां पर चल रहा है। आप लोग इसी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहां की यानी कि पानी का जो फ्लो है वो बहाव जो है वो अच्छा चल रहा है। तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे एक पॉइंट पे कि भाव अच्छा चल रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप लोग इसको चेक करेंगे कि हाँ पहले फ्लो इतना था, अब फ्लो जो है थोड़ा सा कम हो गया है। एक टाइम ड्यूरेशन में आप लोग उसको निकालेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको नहीं निकालेंगे, यानी कि एक टाइम आप लोग चेक करेंगे हाँ इतने टाइम से आप फ्लो अच्छा चल रहा है, खेत में पानी आराम से भर जाएगा। तो ये आप लोगों का फ्लो हो गया, यानी कि टंकी में अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोगों से पूछा जाए पानी कितना है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ टंकी में पानी है, तो वो आप लोगों का स्टॉक हो गया। और फ्लो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि पर्टिकुलर टाइम से आप लोगों की जो चीजें हैं वो कितनी चल रही हैं। तो स्टॉक और फ्लो में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, और ये टर्म बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है आगे भी चलने वाले लेक्चर में। अब यहां से आप लोगों को फीलिंग स्टार्ट आनी हो जाएगी, जो बेसिकली इकोनॉमिक टर्म होती है जो आप लोग काफी बड़ी बड़ी और टफ लगती है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल इन्फॉर्मेशन क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। अब यहां से ये अगर आप लोग इनका बेसिक समझ जाते हैं तो आप लोग उंगलियों पर खेलेंगे, पर लेकिन अगर आप लोग अगर बेसिक नहीं समझ पाते हैं तो ये आप लोगों के सर में दर्द कर देगी। अब इनको आप लोगों को उंगलियों पर रखना है इन टर्म्स को, या फिर आप लोगों को सर में दर्द करना है, या आप लोग डिसाइड करेंगे इसके अंदर इंटरेस्ट लेकर। तो इसलिए बोलता हूं कि खूब इंटरेस्ट आप लोगों को इसके अंदर लेना है। फाइनल आउटपुट जो निकल के आता है, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, जैसे आप लोगों ने यहां पर टोमेटो सॉस बना लिया टमाटर से, तो ये जो टोमेटो सॉस आ गया, अब ये आप लोगों के लिए इस तरीके से हो गया कि आप लोग एक तो हो सकता है कि खुद ही इसको खा लीजिए घर पर बैठकर अपना अच्छे से एंजॉय चटकारे लेकर, एक दूसरा ये है कि आप लोग इसको मार्केट में सप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग इसको खा लेते हैं काम खत्म हो जाता है, मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को इसके अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को और ज्यादा लार्ज स्केल पर ये इस तरीके प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, इनको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, मार्केट में बेचना है। घर पर तो आप लोग उसको घोटकर, वैसे भी आप लोग टमाटर को मिक्सर में चलाकर वैसे भी आप लोग खा सकते हैं, पर लेकिन मार्केट में बेचना है तो आप लोग को उसको एक अच्छी सी पैकेजिंग करनी पड़ेगी उसको, यानी कि आप लोगों को उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि उसको इकोनॉमी में आप लोग लेकर आ सके। तो कहने का मतलब क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट या फिर नेट कैपिटल फॉर्मेशन जो भी यहां पर आप लोगों के सामने है, ये एक तरीके से उस प्रोडक्ट को कितने अच्छे लेवल पर आप लोग लेकर आ पाते हैं। यानी कि फिर से मैं बोलूंगा यहां पर, जिस तरीके से आप लोग किसी पर्टिकुलर काम को स्टार्ट करने के लिए जो वहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है आप लोगों के पास में, यानी कि मशीन आप लोग लेकर आ रहे हैं, जूसर मिक्सर आप लोग और भी ज्यादा लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। पहले आप लोग एक जूसर मिक्सर यूज कर रहे थे, अब आप लोग 3-3 यूज कर रहे हैं ज्यादा पैकेजिंग करने के लिए, क्योंकि आप लोगों से डिमांड ज्यादा आ रही है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। तो कितना कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग कर पा रहे हैं, यही आगे चल के यहां पर डिसाइड करता है कि एक्चुअल में आप लोग का इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो नेट इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग निकालेंगे तो ये क्या बोला जा रहा है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी हो गया, और देखिए बोला गया डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन टर्म आप लोग यहां पर समझिए, डेप्रिसिएशन टर्म को समझने के लिए आप लोग इसका यूज कर लीजिए। ये रिक्शा है, ये रिक्शा क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग इसको मार्केट में चला रहे हैं और लोगों से एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर इसको लेकर जा रहे हैं और वहां से हम लोगों की इनकम आ रही है, पर लेकिन टाइम टू टाइम इसके टायर भी खराब होंगे, इसमें ट्यूब आप लोगों को डलवानी पड़ेगी, कई बार आप लोग इसमें पंचर हो जाएगा, इसमें से हवा निकल जाएगी, तो आप लोगों को वो भी करवाना पड़ेगा, सर्विसिंग इसकी करवानी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, ये डिप्रिशिएट हो रही है। अगर आप लोग इसको 1.5 लाख का लेकर आए, अगर आज के डेट में इसको बेचेंगे 1 साल बाद 6 महीने बाद, तो ये काफी कम प्राइस में जाएगी। तो ये होता है कैपिटल गुड को डेप्रिशिएट करना, यानी कि यूज करते करते अकॉर्डिंग टू टाइम ये चीज डेप्रिशिएट हो जाती है। इसकी जो स्टार्टिंग में मार्केट में वैल्यू थी, अब मार्केट में वैल्यू इसकी वो नहीं रही है, इसकी मार्केट की वैल्यू यहां पर घट गई है। ओके, और हाँ एक बात और बता दूं यहां पर, अगर आप लोग ये सारी चीजें एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे तो एनसीईआरटी में आप लोगों को बेसिक लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी। ये सारी मैं आप लोगों को छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं, जो आप लोगों के आसपास में जो भी प्रोडक्ट आप लोग देखते हैं वही सारे उदाहरण मैंने उठाए हैं ताकि आप लोग यहां पर इसको समझ सकें। जैसे कि मैंने किचन की बात की यहां पर, इसी तरीके से मैंने आप लोगों से यहां पर ट्यूबवेल की बात की, तो ये सारे वो बेसिक उदाहरण आप लोगों के सामने ले रहा हूं जो कि आप लोग डे बाय डे देखते हैं ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर सके। बोल रहे हैं ना कि इकोनॉमिक टफ है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए टफ ना रहे,
आप लोग मजे मजे में बोले कि यार ये भी कुछ है क्या, बस समझने की बात थी। तो इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू अगर टाइम आप लोग चलेंगे तो टाइम टू टाइम यहाँ पर ये डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि एक टाइम पर इसकी कुछ और वैल्यू थी, आज के डे में वैल्यू कुछ और हो गई। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट आप लोगों का देखने को मिलेगा वो ग्रोस, यानी कि टोटल अगर आप लोग जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से उसको डेप्रिशिएट को अगर आप लोग घटा देंगे तो वो आप लोगों का नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। यानी कि आप लोग सर्विसिंग में जो खर्चा कर रहे हैं वो तो एक तरीके से आप लोग यहां पर सर्विसिंग में जो खर्चा कर रहे हैं वो उसको मेंटेन रखने के लिए, एक तरीके से डेप्रिसिएशन यहां पर एक तरीके से मेंटेनेंस की बात आप लोग कर लीजिए। तो ये डेप्रिसिएशन जो भी आप लोग यहां पर जिसका डेप्रिसिएशन हो रहा है जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से, अगर ग्रोस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, तो उसमें से घटा देंगे तो नेट आप लोगों का इन्वेस्टमेंट यहां पर निकल कर आ जाएगा कि कितना आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप लोगों को मैंने अभी उदाहरण के तौर पर समझा दिया यहां पर, ये लेकर यहां पर आप लोगों के सामने कि इसमें सर्विसिंग करा रहे हैं जो भी चीजें यहां पर हो रही है तो डेप्रिसिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू घट रही है, तो वो आप लोगों का नेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। थोड़ा सा और डिटेल में यहां पर समझ लिए, डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। कोशिश करूंगा जहां पर भी आप लोगों के लिए कोई नई टर्म आए आप लोग को यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, फिर भी अगर मैं कहीं पर भूल जाता हूं तो या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आप लोग सर्च कर लीजिए, जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे आगे आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे। अब यहां पर डेप्रिसिएशन मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि यूज करे टायर घिस रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ रही है आप लोगों को, उसमें कोई आइटम उसका थोड़ा बहुत उसमें कोई स्क्रैच आ गया, आप लोग अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने चेंज करा लिया, तो वो टाइम टू टाइम जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ये डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होगा कि भूकंप आ गया, ये सारी चीजें टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, यहां पर सुनामी आ गई, सब कुछ बह गया, ये जो नेचुरल कॉजेज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, कैलेमिटी की वजह से, कोई दूसरे ऐसा सर्कमस्टेंस बन गया जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरी फैक्ट्री टूट गई, ये डेप्रिसिएशन में नहीं आएगा, वो तो एक तरीके से काम तमाम में आएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो तो कहानी खत्म हो गई, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि टाइम टू टाइम आप लोगों की चीजें जो हैं वो घटना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आप लोग यूज कर रहे हैं जैसे टायर खत्म हो गया, जैसे कि आप लोग लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में सर्विसिंग करा रहे हैं, विंडो चेंज कर रहे हैं आप लोग, रैम कम है तो आप लोगों ने उसकी रैम बढ़ा ली, तो ये होता है बेसिकली डेप्रिसिएशन, ना कि कोई कैलेमिटी आ गई, कोई तूफान आ गया, कोई सुनामी आ गई, उसमें चीजें बर्बाद हो गई। तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रखना है, डेप्रिसिएशन में आप लोगों को डिफरेंस समझना है। अब जो भी अब तक हम लोगों ने राम कहानी सुनी है उस राम कहानी का निचोड़ है यहाँ पर, बेसिकली आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्ट कैसे हैं। मैंने अभी कंज्यूमर गुड के बारे में बात की, यानी कि जो आप लोगों ने घर में खाना बनाया वो खुद ही खा लिया, एक है कि मार्केट में बेच दिया, तो आप लोगों ने मान लीजिए हम लोग कोई ऐसा सामान बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, वो रेफ्रिजरेटर आप लोग खरीद के लेकर आए घर पर उसको यूज कर रहे हैं, टीवी आप लोग मार्केट में बनाया गया किसी के द्वारा, टीवी खरीद के लेकर आ रहे हैं, मोबाइल, ये भी सारे कंजप्शन गुड में आ गए जो कि आप लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों के पास में पैसा है इसीलिए आप लोग उसको खरीद पा रहे हैं, अगर पैसा नहीं होगा तो आप लोग कैसे खरीदेंगे, तो आप लोगों के अंदर कैपेसिटी है उसको खरीदने की, और वो कैपेसिटी कहां से निकल कर आती है, आप लोगों की सैलरी से, आप लोगों के पास में जो अर्निंग हो रही है उससे, वहां से आप लोगों की कैपेसिटी डिसाइड होती है। यानी कि कंज्यूमर क्या खरीद रहा है, कंज्यूमर वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कंज्यूमर का मतलब होता है कि आप लोग हम लोग जो चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो वहां पे कंज्यूमर गुड हो जाता है क्योंकि हम लोग उससे कोई अर्निंग नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरी साइड में बात करें, आप लोगों ने छोटा सा कोई बिजनेस लगा दिया तो आप लोग क्या बन गए, एक बिजनेसमैन बन गए, तो आप लोगों के लिए वही गुड कैपिटल गुड हो गया। ठीक है, जैसा मैंने लैपटॉप आप लोग लेकर आए, लैपटॉप यूज कर लिया तो कंज्यूमर गुड हो गया, और आप लोगों ने कैफे में ले जाकर रख दिया तो वो कैपिटल गुड हो गया। आप ही दोनों का काम कर सकते हैं और दोनों का अलग अलग भी लेकर सकते हैं, आप लोग कंज्यूमर हो गए, किसी दूसरे पर्सन की बात कर लीजिए, उसने बिजनेस लगाया तो उसके लिए ये कैपिटल गुड हो गया। अब यहां पर आप लोग एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रोसीजर चल कैसे रहा है। अगर फ्यूचर में लैपटॉप बेचे जा रहे हैं मार्केट में तो लोग और ज्यादा लैपटॉप खरीद रहे हैं इसका मतलब, और ये जो लैपटॉप बेच रहे हैं खरीद रहे हैं ये सारा एक कोई ना कोई लेबर कर रही होगी, कोई ना कोई काम इंसान कर ही रहा होगा यहाँ पर, तो वो भी इसका एक सिस्टम बन गया। कैपिटल इक्विपमेंट जो भी खरीदे जा रहे हैं, और जितने ज्यादा कैपिटल इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं और मार्केट में फ्लो हो रहा है तो घुमा फिरा के वो एक तरीके से सिस्टम बन गया मार्केट। देखिए दो चीजें हो गई, मार्केट टर्म निकल के कहां से आया, मार्केट एक तरीके का मीडियम है जहां पर एक कस्टमर है वो सामान खरीदने जाता है और एक कंपनी है वो सामान बेचने आती है, तो जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उस पॉइंट को मार्केट बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग मार्केट की डेफिनेशन समझ सकते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपना सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, जिनको जरूरत है वो खरीदते हैं और जिनको जरूरत है वो बेचते हैं, यानी कि दोनों अपना अपना काम करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं मार्केट। अब यहां पर इसके लिए आप लोग ये छोटा सा फ्लो चार्ट समझ लीजिए, काफी कुछ आप लोगों को यहां पर क्लियर हो जाएगा। एक ही टाइम पर आप लोग यहां पर प्रोडक्ट बनाने वाले भी हो सकते हैं और एक ही टाइम पर आप लोग प्रोडक्ट खरीदने वाले भी हो सकते हैं। ये एक कंपनी है, एक फर्म है, इसमें यहां पर सामान बनाया जाता है। यहां पर क्या हो गया, ये एक हाउस होल्ड है, यानी कि आप लोग घर पर हैं, ये आप लोग इसको यहां पर कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को। आप लोग क्या कर रहे हैं, यहां से आप लोग मार्केट में गए, मार्केट में जाकर आप लोगों ने स्पेंड किया अपना पैसा और आप लोग यहां से एक लैपटॉप लेकर आ गए अपने घर।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप लोग गुड़ मिल गए हैं। यहां पर आप लोग दूसरी साइड में आप लोग देखते हैं, बेसिकली अगर बात की जाए गुड्स आप लोग ले गए, लैपटॉप लेकर आ गए, या फिर सर्विस की बात कर लें, मार्केट में आप लोग गए और मार्केट में आप लोगों ने जाकर वहां से आप लोग पैसा ले, वहां से आप लोग क्या करें डॉक्टर के पास गए तो सर्विस भी आप लोगों को मिल गई, या फिर कोई पर्टिकुलर फी में यहाँ पर यह आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रही है। मान लीजिए आप लोगों ने घर में एसी कूलर लगाया, उसको साफ सफाई करवानी है, तो वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा देंगे आकर। आप लोग यहाँ पर जब स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, तो आप लोगों को सर्विस मिल जाएगी। ये एक पोर्शन हो गया। अब दूसरी साइड में चलते हैं। दूसरी साइड में अगर बात की जाए, मान लीजिए कोई कंपनी है यहाँ पर, ये तो आप लोग सामान खरीद के ले गए, उस कंपनी में कोई ना कोई काम भी तो कर रहा होगा, ठीक है ना, यानी कि वहां से कोई ना कोई काम भी कर रहा होगा उस कंपनी में, तो जो काम कर रहा होगा उसकी सैलरी भी आएगी वहां से निकलकर। हो सकता है कि हम में से, आप में से कोई इंसान वहां पर काम कर रहा हो और उस इंसान की यहां पर सैलरी निकल कर आए, तो इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे में ये फीम जो हो गया, ये फीम भी यहां पर कहीं ना कहीं हाउस होल्ड है। अगर कोई काम कर रहे हैं वहां पर, कोई अपना जिस तरीके से आप लोग मान लीजिए एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कंपनी लैपटॉप बना रही है, तो आप लोग भी सैलरी ले रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप लोग समझिए। अब बेसिक चीज क्या है, ये जो कंपनी है ये सामान भी आप लोगों को ही बेच रही है और सैलरी भी आप लोगों को ही दे रही है, यानी कि कहने का मतलब ये है, आप लोगों का मान लीजिए कोई बड़ा भाई है, आप लोगों का बड़ा भाई किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसको वहां पे सैलरी मिल रही है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मान लीजिए लैपटॉप खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो उसी कंपनी का मान लीजिए आप लोगों ने कोई लैपटॉप खरीद लिया और उसी कंपनी में आपका भाई काम कर रहे हैं, तो सैलरी भी आप लोगों को मिल रही है और वहीं से ही आप लोग प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं। तो एक तरीके से अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखें तो ये एक सर्कुलर फ्लो यहां पर हो जाता है, यानी कि एक तरीके से सैलरी आप लोगों की वहां से निकल कर आ रही है और प्रोडक्ट आप लोगों का देखने को मिल रहा है, तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। यहां से आगे जब हम लोग चलेंगे ना, यहां से आप लोग समझेंगे, ये मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी यूनिट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई यहां पर किसी फैक्ट्री में मजदूर का काम कर रहा है, कोई इंजीनियर का काम कर रहा है, तो ये सब आपस में कनेक्ट है। ये सारी फैक्ट्री, ये सारी चीजें जहां आप लोग काम कर रहे हैं, वो सारे वहां से आप लोगों की सैलरी मिलती है। किसान का भी उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, किसान खेत में काम कर रहा है तो वहां से क्या कर रहा है, प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर बेच रहा है, तो वहां से उसकी सैलरी या इनकम निकल कर आ रही है। एक तरीके से वहीं पे काम कर रहे हैं, वहीं पर इनकम जनरेट कर रहा है, पर दूसरी साइड में मार्केट में बेच दिया, ये सब तरीके समझिए। किसान था, किसान ने खेत में काम किया, टमाटर उसने खेत में उगाए, वो टमाटर उसने मार्केट में ले जाकर बेच दिया, उसका टमाटो सॉस बन गया, सॉरी मार्केट में टमाटर बेचे तो उसका टमाटो सॉस बन गया, फिर किसान के बच्चे भी तो टमाटो सॉस खरीद के लेकर आ रहे हैं, टमाटर गए यहां से और टमाटो सॉस बन गया, और टमाटर फिर यहां पे क्या गया, फिर उन्होंने टमाटो सॉस को खरीद लिया, फिर उसको यूज करें, यानी कि रॉ मटेरियल मार्केट में गया और रॉ मटेरियल का फिनिश गुड हो गया। तो एक तरीके से जब इन्होंने रॉ मटेरियल बेचा तो पैसे कमाए, पर लेकिन जब यहां पर पैकेट की फॉर्म में ये टमाटो सॉस आया तो पैसे दिए भी तो इन्होंने उसको खरीदने के लिए, तो वही पैसा घूम रहा है मार्केट में, कहीं पर सैलरी की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाता है, तो कहीं पर आप लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं उस पर्टिकुलर चीज से। तो ये है बेसिक थीम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, कि वहीं से हम लोग को सैलरी मिल रही है और वही सैलरी हम लोग मार्केट में जाकर खर्च कर दे रहे हैं। यही होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब लोगों के पास में पैसा कम है, लोगों के पास में पैसा कम है तो प्रोडक्ट कम खरीदेंगे, प्रोडक्ट कम खरीदेंगे तो कंपनी जो है वो प्रोडक्ट कम बनाएगी, कंपनी प्रोडक्ट कम बनाएगी तो वो कम लोगों को इंप्लॉयमेंट देगी, कम लोगों को इंप्लॉयमेंट देगी तो मार्केट में जो है वो मंदी आ जाएगी, जिसको आप लोग स्लो डाउन बोलते हैं। ये क्या टफ है, आप लोगों को टफ लग रही है चीजें, ये यार छोटी छोटी सी चीजें हैं, स्लो डाउन यार पता नहीं स्लो डाउन क्या हो गया, फीम, हाउस होल्ड, ये इस तरीके से पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, छोटे छोटे से शब्द हैं, एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, इकोनॉमी पढ़ने में मजा आ जाएगा आप लोगों का अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड इस तरीके से कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, जिसमें आप लोगों को और कई सारी जो टर्म है बेसिकली, अब यहां पर ये बेस तैयार हो गया, अब आप लोगों को वो टर्म देखने को मिलेंगी जो कि आप लोग एग्जाम में देखेंगे, यहां से आप लोगों का बेस बन रहा था, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को यहां पर जो कनेक्ट रह सकते हैं, अगर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ लेनी है या फिर आप लोग कनेक्ट रहना है, पीडीएफ जब दूंगा, जब आप लोग यहां पर कंप्लीट हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। और बाकी आप लोग तब तक एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप लोग को अच्छा लगता है, यहां पर सारी चीजें नोटिफिकेशन और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट की जाती हैं। बाकी पुराना लेक्चर देखकर कंटिन्यू आप लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, ताकि आप लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे। आप लोग पुराना लेक्चर पहले देखिए, उसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आप लोगों स्क्रीन पर दिख जाएगा, और उस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर देखिए, ताकि आप लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे, फ्लो में चलेंगे तो ही आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिटेल में समझा रहा हूं, इसी लेक्चर को मैं 10 मिनट में भी खत्म कर सकता था, और डिटेल में समझाया, अलग अलग उदाहरण देकर यही लेक्चर 40 मिनट का बन गया। मेहनत ज्यादा लग गई, पर लेकिन आप लोगों का बेस बनना चाहिए, बेसिक पर्पज मेरा ये है, कहीं भी जाएंगे तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाए, बेसिक पर्पज ये है, उसी पर्पज के बेसिक से मैं यहां पर पढ़ाता हूं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो और बच्चों को कनेक्ट कीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, या तो खुद पढ़ा दीजिए किसी को, जब आप लोगों का रिविजन हो जाएगा, खुद नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप लोग
क्या करना है, आप लोगों को यहां पर ये लेक्चर शेयर कर देना है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी से लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।